हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये ओटीटी पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है, जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल, रणवीर शोरी यानी पीके, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तुरुनेल वेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी, और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा, इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको एक फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ग्रामा का रिमिक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये ओटीटी पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है, जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल, रणवीर शोरी यानी पीके, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तुरुनेल वेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी, और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू
विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको एक फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है, मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोची, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोची का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये ओटीटी पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है। भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणवीर शोरी यानी पीके, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तुरुनल वैली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, तार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोची और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है, मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोची, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोची का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं।
एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणवीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तुरुनेल वेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर UP से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर PK के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा, इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको एक फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रिमिक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। OTT के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है, उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणवीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तुरुनेल वेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है।
डॉन बनने के लिए मुंबई आया मनु, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर, आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रिमिक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई कर एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये ओटीटी पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबई कर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबई कर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबई कर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणवीर शोरी यानी पीके, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, प्यार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर, आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रिमिक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई कर एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं।
एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कान पाटिल रणवीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तुरुनल वैली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर UP से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर PK के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा, इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबईकर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। OTT के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है, उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कान पाटिल रणवीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तुरुनल वैली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है।
डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में एक पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे ये जानने के लिए आपको एक फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर, आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ग्रामा का रिमिक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोची, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोची का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये ओटीटी पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबई कर कहा जाता है। भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबई कर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबई कर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबलकांत पाटिल, रणवीर शोरी यानी पीके, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोची और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में एक पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे ये जानने के लिए आपको एक फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर, आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ग्रामा का रिमिक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोची, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोची का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं।
एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणबीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा। प्यार के खातिर जॉब का सपना लेकर UP से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर PK के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा, इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रिमिक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। OTT के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है, उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणबीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा। प्यार के खातिर जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है।
डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है, मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये ओटीटी पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबलकांत पाटिल रणवीर शोरी यानी पीके, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खातिर जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है, मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं।
एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणबीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तुरुनेल वैली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा। प्यार के खाते जॉब का सपना लेकर UP से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर PK के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा, इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रिमिक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। OTT के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है, उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणबीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तुरुनेल वैली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा। प्यार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है।
डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर, आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये ओटीटी पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है। भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल, रणवीर शोरी यानी पीके, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी, और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर, आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं।
एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणवीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर PK के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा, इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। OTT के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है, उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणवीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है।
डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको एक फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर, आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोची, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोची का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये ओटीटी पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणवीर शोरी यानी पीके, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, कार के खाते जॉब का सपना लेकर यूपी से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू, विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर पीके के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा? इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर, आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। ओटीटी के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोची, रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोची का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है। उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं।
एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई का रिलीज हो गई है और ये OTT पे आने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। मुंबई में रहने वाले लोगों को मुंबईकर कहा जाता है, भले ही कई लोगों के लिए ये शहर पैसा कमाने का जरिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी को मुंबई इस तरह से अपना लेती है कि वे भी इस शहर के रंग में रंग जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मुंबईकर बन जाते हैं। ऐसी ही मुंबईकर की कहानी बयां करने की कोशिश नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक संतोष शिवम ने की है। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पांच किरदारों की है जो एक दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से एक है मुंबई का डॉन प्रबल कांत पाटिल रणवीर शोरी यानी PK, तो दूसरा है डॉन बनने का सपना लिए तिरुनेलवेली से मुंबई आया हुआ मन्नू यानी विजय सेतुपति। अपने बेटे के अस्थमा का इलाज करवाने अपने परिवार के साथ मुंबई आया हुआ ड्राइवर यानी संजय मिश्रा, प्यार के खाते जॉब का सपना लेकर UP से मुंबई आया हुआ एक युवा विक्रम मोसी और अपने मामा जैसा पुलिस अफसर बनने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। डॉन बनने के लिए मुंबई आया मन्नू विजय सेतुपति राहुल झुंझुनवाला समझकर PK के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग के बाद क्या ड्रामा होता है और क्या किडनैप हुआ बच्चा अपने डॉन पिता के पास जा पाएगा, इस पूरे सफर में ये पांच किरदार एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है मुंबई कर आप देख सकते हो। ये फिल्म एक साउथ फिल्म की माना ड्रामा का रीमेक है। संतोष शिवम ने इस सस्पेंस थ्रिलर को एक बार फिर अपने रोमांचकारी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है। इनको देखते हुए कई बार ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकते। संतोष शिवम ने बड़े दिलचस्प अंदाज से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। OTT के लिए मुंबई का एक परफेक्ट फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर का मुंबई को दिखाने का नजरिया किसी भी मुंबईकर के लिए बिल्कुल अलग है। कई जगह पर एक कहानी बोरिंग लगने लगती है। विजय सेतुपति से लेकर विक्रम मोसी रणवीर शोरी जैसे कई एक्टर इस फिल्म में शामिल है। अपना कमाल की एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रम मोसी का किरदार जरूरत से ज्यादा डाउन है, उनके गुस्से से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। एक तरफ पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले सचिन खेड़ेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। रणवीर शोरी और विजय सेतुपति दोनों की ही एक्टिंग आपको इस फिल्म को देखने के लिए एक बड़ी वजह दे सकते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए फिल्म देखी जा सकती है और विजय सेतुपति की एक्टिंग के लिए भी ये फिल्म जरूर देखें।